घंटे से रोड पे फिर रहे हैं और अभी तक स्टेडियम में 10-15 मिनट दूर है भाई। हंसी जा रही हो भाई, हमने बड़ा पैसे लगाए हैं भाई। आधा मैच खत्म हो गया, आधा मैच खत्म हो गया, बाबर ने सेंचुरी मार दी है। और तुराब भाई मिले हैं, कैसे हो? फ्रेम में आ रहे भाई? भाई आप बस मुल्तान अगर आना हुआ तो सिर्फ आपसे मिलने आएंगे, स्टेडियम नहीं आएंगे। भाई बड़े जलील हो यार, ये भी मेरे साथ साथ जलील हो रहे हैं। हम लोग जी वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। ओ भाई मैंने बस कहा था कि शर्ट पहननी है और निकलना है, थोड़ा सा फ्रेश हो जाना। ओ केरा फ्रेश, मैच देखने जा रहे हैं ना भाई, हम ड्रामे में रोल तो नहीं देने जा रहे हो यार। वहाँ पे वैसे ही तुम्हारा सारा पसीने से बुरा हाल हो जाना है भाई। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने वहाँ पे वीवीवीवीआईपी सीटें करवाई होगी, बॉक्स वाली जहाँ पे बाकी बाबर आजम लोग भी बैठे होंगे? कौन सी कराई है? मैंने भाई वहाँ पे हम आम लोगों वाली कराई है। धूप में बैठना पड़ेगा भाई तुम्हें रात दोपहर के 2 बजे, फटाफट रेडी हो जाओ भाई। वेलकम बैक हो गया तुम सबका एनदर ब्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने डक्की भाई ब्लॉग एंजॉय नहीं किया हो तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो भाई। टाइम हमारे पास जरा भी नहीं है, फटाफट जो है ना शर्टे पहनते हैं। रेडी हो गया है भाई, चलो रेडी yes! चलो निकले यार। चलो निकले। आप लोगों की कहाँ पे शर्टे हैं? आपके नेपाल की टीम से तो नहीं हो? वैसे टेंशन ना लो, हमारी 2019 वर्ल्ड कप की शर्टे हैं भाई। फटाफट जो है ना स्टेडियम निकलते हैं, तुम लोगों को मिलता हूँ आधे घंटे तक। 3 hours later. भाई आज के बाद मुल्तान नहीं आना भाई। यार ये क्या हो गए यार भाई, हम जो है ना घंटे से रोड पे फिर रहे हैं और अभी तक स्टेडियम में 10-15 मिनट दूर है भाई। हंसी जा रही हो भाई, हमने बड़ा पैसे लगाए हैं भाई। आधा मैच खत्म हो, आधा मैच खत्म हो गया, बाबर ने सेंचुरी मार दी है, मुबारक हो बाबर भाई, और हम लेट हो रहे हैं अभी तक यार। मुझे तो लग रहा है बहुत गंदी ट्रैफिक है भाई। भाई तुम लोगों को पहुंच के मिलता हूँ यार, बड़ी जलालत हो रही इस वक्त। 1 hour later. तो यार स्टेडियम हम लोग पहुंच चुके हैं, बच्चे सोचते हैं कौन जीत रहा है। तो यार मैं ना तुम लोगों को स्टोरी बताया था हुआ क्या था। जैसे ही हम लोग एंट्री पे पहुंचे हैं, मुझे काफी ज्यादा लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया था वहां पे, मुझे काफी ज्यादा लोगों ने घेर लिया। अब मेरे साथ अरूप थी, अरूप अरीब इकरा को मैंने कहा यार आप लोग चले जाओ क्योंकि रश बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले मुझे लगा कि चलो ठीक है मैं सेल्फीज वगैरह लेके ईजी हो जाऊंगा फिर मैं चला जाऊंगा अंदर, लेकिन वो 50 बंदा है वो 100 हो गया, फिर 100 से 200 हो गया। तुम लोग यकीन करो मैं 5 मिनट के लिए सांस भी नहीं लिया। खैर मर मर आके स्टेडियम पहुंच गए, हमारे आगे हर बंदा खड़ा हुआ है, हमारे आगे हमें गेम नजर ही नहीं आ रही, हमारे आगे कोई 10 बंदा लाइन लगा के खड़ा हुआ है। मतलब मैंने एक ओवर भी नहीं देखा, एक गेम भी नहीं देखी मैंने, मतलब फुल ऑन जो है ना जलालत वाला सीन हो गया है ना। हमने इंजॉय किया, मैंने एक क्लिप भी नहीं बनाया, एक बॉल भी नहीं देखा। मुझे तो एंट्री तब मिली है जब मैच खत्म हो गया। मैं बाथरूम गया हूँ वहां पे भी बंदे घुसे हुए थे, मतलब हगने भी नहीं दिया भाई, और मुझे ना पीछे लोगों ने घेर लिया था और मैं एंटर हो पाया ना, मैंने इंजॉय किया ना मैंने गेम देखी और मैं थक हार के वापस आ गया भाई। खैर अरूप ने थोड़ा बहुत जो है वो लॉक किया था, वो तुम लोगों को मैं थोड़ा बहुत क्लिप पे दिखा देता हूँ क्योंकि वो लोग चले गए थे। उसके बाद भी तुम लोग ये क्लिप देखो, मैं बाहर जा रहा हूँ, पीछे पीछे 100 बंदा फॉलो कर रहा है बस। दोस्तों के साथ आ रहे हैं, बाहर तक गया हूँ मुझे नहीं मिले, मैं फिर वापस आया हूँ, फिर कॉल कर रहा हूँ नंबर नहीं मिल रहा। तो कहाँ है साथ? नहीं आइडिया मुझे, कोई नहीं। हस्बैंड को कॉल करो, अपने हस्बैंड को कॉल करो। यहाँ सिग्नल भी तो नहीं कैच हो रहा है। मैच खत्म हो गया, अब क्या बना रही हूँ, मैच खत्म बस दिया हो रहा है। वाकई पाकिस्तान जीत गया? पाकिस्तान जीत गया, नेपाल हमसे जितवाने आए। माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान जीत गए, माशाल्लाह। यहाँ पे पाकिस्तान की आजादी हो रही है, पाकिस्तान जीत का जश्न मना रहा है। एक बॉल देखी है मैंने, वो बाहर लोगों ने बड़ा घेर लिया लेकिन मजा आया। नहीं है रखी भाई, मुझे मुल्तान आ गया, उनको लगा मैं श्रीलंका आ गया, फिर पता चला मुल्तान है, लेकिन सेकंड के मैच के लिए है उधर। हाँ आप हो? मैं हूँ। पाकिस्तान को जितवा रहे हैं। चलो 3 hours later. कोशिश बड़ी की मैंने मैच देखने की, जलील हो गए हैं, सही है मैं एंटर भी नहीं, मैंने एक 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 बॉल देखी है शायद, लेकिन एक अच्छी बात हुई है हमें सिफतान भाई मिले हैं शहर में, देहात वाले, और तुराब भाई मिले हैं, कैसे हो? फ्रेम में आ रहे हैं भाई। आप बस मुल्तान अगर आना हुआ तो सिर्फ आपसे मिलने आएंगे, स्टेडियम नहीं आएंगे। भाई बड़े जलील हो यार, ये भी मेरे साथ साथ जलील हो रहे हैं। तो लेकिन अभी जो है ना चलते हैं कोई खाना शाना खाने चलते हैं, फिर देखते हैं क्या प्लान है। अभी पसीने से बुरा हाल हुआ हुआ है बहुत ज्यादा यार, गर्मी बहुत ज्यादा थी, पसीने से बुरा हाल नहीं हुआ कोई यार। सिर्फ टैन भाई जुगते लगा रहे हैं भाई, अभी देखते हैं क्या खाना है फिर मिलते हैं भाई। क्या खिला रहे हो भाई आज? हाँ
सात भाई जो आपका दिल करे ना आपके सामने हम मेन्यू कार्ड रख देंगे। और बताओ वैसे मुल्तान में क्या क्या करने को? कुछ आने खास जलील हो जलील, हाँ स्टेडियम में जलील होना, इसके अलावा और क्या क्या है? और बस फिर यही रोड है, खाना छाना खाते हैं फिर मिलते हैं। तो भाई साहब रोटी छोटी आ गई है हमारी, सही है, हमारे साथ चाइनीज भी है, हमारे साथ ये क्या है बारबेक्यू वगैरह भी है, मगज भी है, और आगे वो लोग क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हो भाई? मगज खा रहे हो? दिमाग खा रहे हैं भाई। तो सॉरी यार आज जो है ना मैच का व्लॉग होना था लेकिन व्लॉग हो नहीं पाया, इनको भी मैंने अलग स्पेशल जलील करवाया, ये लोग भी सोच के आए थे एंजॉय करेंगे मैच है लेकिन जो है वहाँ पे बस बहुत ज्यादा हो गए यार, बस देख लो मैंने मैंने साफ लगाया कोई भी मेरे साथ आते वो जलील हो जाता है, ये क्या है जलालत साथ ले गया हूँ मैं, मजा आता है जलालत, क्योंकि मैं आप लोगों को छोड़ के चला गया था ना, आप लोग अलग हो गए थे, मैच देखने आए थे लेकिन देख नहीं पाए, श्रीलंका वाला दिखा देंगे अभी, खाना छाना मंगाते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। रोटी छोटी खा ली, आप चलते हैं चाय शाय पीने, चाय शाय का भी कोई इंतजाम बनाओ है। अच्छा ये बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, व्लॉग हो रहा है वहाँ से भी व्लॉग हो रहा है, यहाँ से भी व्लॉग हो रहा है, फ्लैश लाइट उसके मुंह पे पड़ रही है उसकी, इधर इस तरह से होता है। तो यार चाय शाय पीने आए हैं और भाई क्या क्लास की चाय है, मजा ही आ गया। तो राम भाई थैंक यू सो मच यार आपकी हॉस्पिटैलिटी का, आपने जो है घुमाया हमें मुल्तान, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया। बस हमारे जो है ना आज मेरे कैसे किस्मत में था ही नहीं मैच देखना ऐसे, लेकिन मैं तो कहता हूँ आप आए इधर और काफी शेडियम मजीद जलील होते हैं, मजीद जलील होते हैं, मजीद जलील होंगे यार। श्रीलंका बस ठीक है, पासपोर्ट वासपोर्ट बनाओ फिर मुझे बताओ फिर चलते हैं भाई। A few moments later, फारिग हो गए हैं, थैंक यू सो मच सिप्तेन भाई, थैंक यू सो मच तुराब भाई, बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह आप भी आओ लाहौर से मुल्तान आते रहे, बस ठीक है यार, यार इट वाज नाइस मीटिंग यू ऑल, और इंशाल्लाह आप लोग भी आओ लाहौर, इंशाल्लाह हमें भी खिदमत का मौका दो, शुगल मेला लगाए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। भाई साहब हम लोग पहुंच गए हैं घर वापस, यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, आई एम सो सॉरी, मुझे पता है काफी लोग जो है इंतजार कर रहे थे कि डकी भाई स्टेडियम जाएगा मैच देखेगा शुगर लगाएगा, भाई मैंने साहब लगा लिया आज के बाद, मैंने कसम खा लिया मैं पाकिस्तान के स्टेडियम नहीं आ रहा, पता नहीं यार मतलब ना श्रीलंका के अंदर इंडियंस के साथ शुगर लगाएंगे ना यार, वहाँ पे जो है ना फिर हम 10% 5-10% पाकिस्तानी बैठे होंगे, 90% इंडियन बैठे होंगे, फिर उनको उंगली करने में ज्यादा मजा आएगा यार, उसका शुगर रहता है, ठीक है टेंशन लेनी, सब्सक्राइब लाजमी कर देना, मिलते हैं कल को काफी।